अगर हो तो तब हजार नहीं तो 500 तो जरूर बचे, हजार भी बच सकते हो जरूर। आपने बताया ही नहीं, मैं आपको पुश कर करके कर करके। माई चैनल पूनम सिंह स्टूडियो। अभी मैं शावर लेकर आई हूँ और बनाने लगी हूँ चाय, और श्री गए हुए हैं शावर लेने के लिए। तो हमारा अभी प्लान है कि हम जाएंगे अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए वर्जीनिया, इसीलिए आज थोड़ी जल्दी हमने शावर ले ली और आज सफाई को स्किप कर दिया है हमने, सफाई हम कल कर लेंगे। और फ्रेंड के घर जाने के बाद वहाँ से भी कुछ हमारे प्लान्स हैं, तो जो जो जैसे जैसे मैं करती जाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी, आपको भी दिखाती जाऊँगी, घुमाती जाऊँगी। बट अभी के लिए चाय बना रही हूँ, तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। ब्रूनो भी मेरे चरणों में है, उससे भी आप लोगों को मिला देती हूँ। नाम सुनते ही एकदम रेडी हो जाता है, क्या हो रही है मेरे बारे में बातें। अभी जाकर वहाँ बैठ गया है, वेट कर रहा है चेकअप्स का। इसको मैं दोपहर में देती हूँ चेकअप्स, और वो टाइम मोस्टली होता है जब मैं शावर लेकर आती हूँ, तो आज थोड़ा जल्दी मैंने शावर ले लिया। अब इसको लग रहा है कि अब मैं इसको चेकअप दूंगी, तो इसलिए बार बार आकर मेरे पैरों में मार रहा है, आसपास बैठ रहा है। वैसे भी पूरे मेरे पास ही रहता है। पहले चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ और फिर आप लोगों को थोड़ी देर में ज्वाइन करती हूँ। यहाँ चाय मेरी बॉयल हो रही है। ये होने वाला है हमारा आज का ब्रंच, ब्राउन राइस, पत्ता गोभी की सब्जी, एग करी। ब्रूनो भी पीछे पीछे लगा हुआ है, तो सोच रही हूँ इसको भी चेकअप्स देती हूँ। आ जाओ ब्रूनो, आओ, चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो चलो, ये इसको भी सोच रही चेकअप्स दे देती हूँ। आ जाओ आ जाओ। कितना खुश हो जाता है। सोफे के नीचे, टेबल के नीचे, सोफे टेबल के बीच में बैठकर खाता है और बहुत एंजॉय करता है। ये है इसका डेंटल चू, आराम से बैठकर खाता है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। चलिए फ्रेंड, चाय पी लेती हूँ। वाह, आके बैठ गया। मैंने ब्रंच लगा दिया था, चाय भी आपकी रख दी थी। यस, आज तो नाश्ता भी कर लिया मैंने टाइम से। हम लोग निकल लिए हैं खा पी कर। अरे यार देखो, एक काम रह गया। क्या? बहुत दिन से सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे कि इंश्योरेंस के लिए फिर से करूँ, बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं इंश्योरेंस के लिए। किस चीज का इंश्योरेंस? कार का इंश्योरेंस, सारी गाड़ियों का इंश्योरेंस, बहुत ज़्यादा। बहुत दिनों जब से सूरज को ऐड किया था एज ए न्यू ड्राइवर, उन्होंने बढ़ा लिया, तब से मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ करूँ उसमें। तो उसमें आपको क्या करना है? अरे मैं थोड़ा दो चार कंपनियों को कूट लूँगा इनको। वो करके फिर निगोशिएट करके थोड़ा ब्रिंग डाउन आराम से। मुझे पता है अगर मैं थोड़ा टाइम निकालूँ साल के $1,000 आराम से बच जाएंगे। हजार नहीं तो पाँच निकालो ना, $1,000 हो तो तब $100 भी बहुत होता है, $500 तो बहुत ही होता है। नहीं मिल रहा मेरे को बिल्कुल टाइम, टू मच वर्क है मेरे पास, बहुत सारे काम करने हैं। हो जाएगा, हो जाएगा, कोई नहीं, करना ही पड़ेगा। अभी भी तो 25 की स्पीड चल रही है, कितनी दूर आ गए आगे तक। बहुत दिनों बाद, अक्सर यहाँ पे मिली नहीं। आई थिंक सैटरडे अब हम आते भी कम हैं, तो इसलिए सैटरडे को ट्रैफिक चलो शायद खुल गई है। अब देखते हैं, लग तो रही है खुली हुई। मुझे तो ये कार ही बहुत प्यारी लग रही है। यस, खुल गई ट्रैफिक। बाइक वाले के पीछे कैमरा लगा रखा है। अभी कुछ भी नहीं खुली है। नहीं फिर भी अभी 30 के ऊपर नहीं गया हूँ मैं। कोई बात नहीं, 5 की स्पीड इंक्रीज तो हुई है।
से 495 की ही थी। ये तो वैसे भी टोल रोड है, यहाँ ट्रैफिक के लिए क्या ही नहीं है, और ये एयरपोर्ट चली जाती है पूरा अंदर। सो गाइस पहुँच गए हम लोग 1.5 घंटे में भाई। 15 मिनट एक्स्ट्रा लगा ट्रैफिक की वजह से, हेडेक होने लगा। 15 मिनट ट्रैफिक भी था। चलिए चलते हैं अंदर। भूल जाते वो वाला है वाइट वैन वाली। मेरे आते ही अक्षता निकल गई हेलोवीन पार्टी के लिए और मैं आ गई इधर। नॉक नॉक, खुला होगा? नहीं, बेल बजाइए। आपका ब्यूटीफुल कॉर्नर। हेलो हेलो रेनो, सॉरी आपको हेलो बोलने की अपनी भाषण देने लग गई। हेलो, ये लीजिए आपके लिए, इसमें प्रसाद दिया, अभी मैं बताती हूँ आपको। और हाँ हाँ जी हाँ जी, वैष्णो देवी का ये आपका ब्यूटीफुल कॉर्नर। पहले से थी, शुरू से ही है। रीडेकोरेट किया गया लगता है? नहीं नहीं नहीं, सेम है। प्लांट्स इधर उधर मूव करते रहते हैं। ये प्लांट पहले दूसरा वाला था। एक्चुअली पिछली बार आए थे पार्टी में, आए थे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। पार्टी में नहीं पता चलेगा, लेकिन प्लांट्स अभी थोड़े अंदर लेकर आई हूँ। जो डेक वेक पे थे ना, जैसे वो दोनों प्लांट है उधर पे, वो बाहर थे, वो लेकर आई अंदर। ये एरिया मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। लग रहा है क्योंकि प्लांट लग गया ना, ये ऐसे ही था। बहुत पुराना लिया होगा, मुझे तो लग रहा है शुरू का है सारा कुछ। कैसा है? अच्छा है। ये सारे प्लांट अभी लाई हूँ, जैसे केला और वो प्लांट आपके बहुत अच्छे लगते हैं। या प्लांट अभी अभी लेकर आई हूँ, तो ये दोनों अभी लेकर आई हूँ अंदर, जिससे कि वो खराब ना हो। हाँ, मोगरा आने तो खराब हो जाता है मोगरा, तो वो है। ये दोनों तो पहले यहाँ पे थे, या विंटर में तो इनको रीअरेंज करना पड़ता है ना, नहीं तो फिर इधर उधर हो जाते हैं। वो वाला प्लांट यहाँ पर इसलिए आप मूर्ति नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि कंपैरेटिवली वो छुप जा रहे थे भगवान जी उससे। वो बड़ा था, तो फिर हम वहाँ से यहाँ पर किए। या लेकिन फिर क्या हाल है? चाहिए ऑर्गेनाइजर होम गुड्स से। हाँ, अच्छे तो से तो लगा हुआ है आपकी। हाँ, पैट्री कितनी अच्छे से लगी हुई है। वैसे तो है ये स्टैकिंग, लेकिन अभी ये पिछले 3-4 महीने से ये आपके वहाँ का है ना, जो डेक पे लगाया हुआ है। चिला मूंग दाल का नाइस, हल्दी हल्दी चिला, चाय में हाँ कुछ भी डाल दीजिए। चिला बन रहा है, चाय बन रही है, चिला भी चढ़ गया है। रेडी हो गई आप? हाँ, हाँ, बिल्कुल। हम लोग तो एकदम एवर रेडी है। हाँ जी, स्पेशली घूमने के लिए। हाँ, 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 हाँ। नहीं, मैं बंद कर देती हूँ। ऊपर से अगर हमको मेला में तो बहुत मजा आता है। और कुछ नहीं तो तरह तरह की इंडियन चीजें देखने को मिलती हैं। एंजॉय करते हैं। भूतनाथ यहाँ लखनऊ में ना? हाँ हाँ, मैं वहाँ रही हूँ। या लखनऊ में भूतनाथ मार्केट, क्या जमाना था नहीं? या मैं तो वहाँ रही हूँ, तो मुझे अच्छे से याद है। और एवरीडे हमारा राउंड लगता था, इवन शॉपकीपर जो थे ना वो भी पहचान गए थे। काफी कुछ लेने जाओ आप ना तो बोलेंगे कि अरे आप कल ले लीजिएगा, आप तो रोज ही आती। एक्चुअली श्री का वो चलता था ना ट्रीटमेंट, वो डेंटिस्ट के यहाँ जाते थे, तो उनको लग रहा रोज ही घूमती है, आइसक्रीम खाती। लेकिन उस टाइम पे हम लोग जो है रहते भी थे वैसे ही। हाँ, बिल्कुल। वो कुछ मतलब लाइफ अपनी बहुत सटल थी, कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं रहती थी, मस्त थी। या कोई नहीं, अभी और अच्छी है। नहीं नहीं, मतलब टाइम मेला घूमने जा रहे हैं, और क्या चाहिए, मेला तो मस्त है ही है। मैंने पहुंच गया हम लोग। गेड़ी वाली दुकान, अच्छी खासी भीड़ होती है। अरे यहाँ तो एकदम पार्किंग देखिए बिल्कुल नहीं दिख रही है। हमको एकदम इतना पसंद है चांदनी चौक की हम बता नहीं सकते। यहाँ हमारे तो चांदनी चौक ही है। हाँ, चांदनी चौक ही बोलते हैं ना वो लोग, तो हम तो इसको चांदनी चौक ही बोलते हैं। पार्किंग तो वीकेंड में भी नहीं होती है, पूरा फुल है। आज मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ इंडियन मेला में, जहाँ पे हर चीज मिलेगी, कपड़े ज्वेलरी शूज डेकोरेशन एवरीथिंग। क्यों? यस, हम क्या बाय करेंगे तो वहीं जाकर पता चलेगा। हम पे जाते हैं तो बाय करते हैं, चांदनी चौक पे जाते हैं तो बाद में देखते हैं ना क्या मिल रहा है। A few moments later. $5 per person. Okay.
बैग में आप डाल कर देगा। फाइनली रात करके हम लोग निकल लिए। मैंने कहा रात करके निकल लिए हम लोग। हाँ जी हम लोग अच्छे से सर काफी कुछ खरीद लिया। हाँ नहीं करते करते नहीं करते करते मैं भी खरीद लिया। मुझे खुशी हुई कि मैंने ना वो फ्लावर वाली लड़ियाँ खरीद ली दीपावली के लिए। हम चलते हैं घर और फिर दिखाती हूँ आपको क्या क्या बाई किया यहाँ से। तो गाइस अभी हम लोग लौट कर आए हैं मेला से और अभी रेनू डिनर बनाने में लग गई हैं। मैं चाय बना रही हूँ। चलिए आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगी कि क्या क्या हम दोनों खरीद कर लाए हैं। रेनू लग गई डिनर में। इधर बन रही है रोटी, इतना गंदा इधर चाय। हाँ तो ऐसे ही तो होता है। उसके बाद साफ हो जाएगा खाने के बाद। सारी चीज़ें फैली हुई हैं। डिनर लगना रेडी हो गया है। नॉन वेज है, चिकन सॉरी रोटी है और काफ़ी कुछ वेराइटीज़ हैं। मैं भी फटाफट चाय बना लेती हूँ और फिर आप लोग से मिलती हूँ और दिखाती हूँ कि हम लोगों ने बाई किया आज। कितने खुश हैं शॉपिंग करके। अरे मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स अब मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ अपनी आज की शॉपिंग। तो सबसे पहले रेनू की शॉपिंग दिखाऊंगी फिर अपनी। तो रेनू अपनी शॉपिंग खुद दिखाएंगे। चलिए रेनू दिखाइए आप। ये वन कुर्ता, हाँ ब्लू कलर का, पूरा लॉन्ग है ना, एंकल लेंथ है, फुल है, फुल स्लीव है, ब्लू कलर का लॉन्ग है। ये सेकेंड वन ए लाइन है राइट, ये थर्ड वन कुछ ऑरेंज पे प्रिंट है और ये सारे अभी घर में यूज करने वाले हैं। सुंदर लग रहे हैं। ऐसे ऐसे शॉपिंग करके हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, मजा आता है। सुपर है ना। और क्या है अब के बाद एक, ओ ये बहुत सुंदर कलर है। इस कलर के मैं इंडिया से भी लाई हूँ। ये पूरा थ्री पीस में है ना, चुन्नी इसकी बहुत प्यारी है, एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी है, ये फैंसी है थोड़ी, शलवार कुर्ता। और अब है साड़ियों का नंबर, मरून ब्लैक एंड गोल्डन। वाह अब आया मेरा, बहुत खूबसूरत है। अब आया मेरा असली साड़ी। हाँ नाइस। वन ब्लाउज टैसल पल्लू में ही है ना? नहीं 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 पल्लू में ही नहीं है। हाँ नीचे वो ब्लाउज में भी है, साड़ी में है। अच्छा अच्छा अच्छा, ब्लाउज पीस है इसमें? ये रेगुलर है बट यहाँ पे जो है वो पल्लू है, पल्लू और साड़ी में डिजाइन है और ब्लाउज पीस प्लेन है। ठीक। अनदर वन, ये दुर्गा पूजा वाली साड़ी है। अरे बंगाली साड़ी प्यारी लग रही है, फुल वो वर्क है, उसमें बूटी बनी है या हल्के क्रीम कलर की है, गोल्डन से पूरे में बूटी बनी हुई है। क्लोज से दिखा देती हूँ एक बार ये, और ये आंचल है जो बहुत खूबसूरत है, जैसे बनारसी साड़ियाँ होती हैं। तो बस यही है आजकल। ईयर रिंग भी लाए थे नहीं? हाँ हाँ। वाह ये तो और भी अच्छी लग रही है, कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है। पिंक एंड स्काई ब्लू बोलेंगे ना, नहीं टील, टील ब्लू टील कलर है। हाँ ये इसका ब्लाउज पीस है, ब्लाउज पीस भी अच्छा है। ये पूरी ये इंडियन ट्रेडिशनल वाली है ना, इस पर डांसिंग लेडी जो भी है, दूल्हा दुल्हन भी बने हैं, जयमाल चल रहा है। ये देखो देखो देखो, ये जयमाल वाली साड़ी, ये जयमाल वाली है, ये डांसिंग लेडी है, बहुत खूबसूरत है। और रिंग का इयररिंग दिखाइए। वाह हफ्ते लगा कर दिखा रहे, बहुत सुंदर है, आपकी साड़ी को मैच कर रहा है, पिंक वाली, पिंक वाली साड़ी को मैच कर रहा है एकदम, बहुत खूबसूरत है। तो रेनू की शॉपिंग तो हो गई, अब मैं अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ। सो गाइस अब मैं दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग कि आज मैंने मेले में से क्या क्या बाय किया है। ये है सूट, एक्चुअली ये है कॉट सेट, और इसमें पर्ल की वो मोती लगे, पर्ल की वो बटन लगी हुई है, और ये है बॉटम, परफेक्ट बटन की जगह ये पर्ल है जो भी ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किए। एक ये है सूट, और गाइस ये मैं दूसरा सूट बाय की हूँ पर्पल कलर का, और इस पर नेक के डिज़ाइन है और पूरे पे छोटे छोटे ये कुछ सीक्वेंस वाले वर्क है, और साथ में है इसका बॉटम। वैसे एक सूट मेरे पास इस कलर का एग्जैक्टली है बट इसको खरीदने के बाद मुझे याद आया, और इस सूट को अट्रैक्ट करने वाला ये ब्यूटीफुल दुपट्टा है। दिखाती हूँ खोलकर, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा इसलिए मैंने ले लिया। अब दिखाती हूँ दुपट्टा, और मैंने ये दो दुपट्टा बाई किए हैं, एक
ये है, किसी भी प्लेन सूट पर आप इसको ले सकते हो। एक दुपट्टा ये है और दूसरा ये है, थोड़ा फैंसी में है। आई थिंक मैं इसको पर्पल वाले के साथ भी कैरी कर सकती हूँ। मेरे पास वाइट भी है, येलो भी है, पीच भी है, तो सॉर्टेड है। सॉर्टेड है। और सबसे बेस्ट शॉपिंग दीपावली के समय क्या हो सकती है, अभी दिखाती हूँ। ये लड़ियाँ, इनको क्या बोलेंगे? लड़ी है, लड़ी बोलेंगे, फूलों की लड़ी, फूलों की लड़ी। तो ये मैं लेकर आई हूँ पाउच। बहुत टाइम से मुझे लग रहा था कि मुझे ऐसा कुछ लगाना है, बट इंडियन स्टोर बहुत महंगे मिल रहे थे, पर यहाँ मुझे अच्छा मिला, तो ये मैं 5 लेकर आई हूँ। ब्यूटीफुल। ये है हमारी आज की शॉपिंग। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की मैं मेरी वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल के सपोर्ट के लिए, मेरी मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर गाइस, एंड गुड नाइट। हैप्पी दिवाली इन एडवांस।